अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज ही मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद का बहुत ही खूबसूरत पार्क है जी, लेक व्यू पार्क। आपके जो काफ़ी दोस्त से बाद यहाँ पे होके जा भी चुके होंगे और जो नहीं गए वो इंशाल्लाह इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह आएंगे। तो अभी आपको आगे से दिखाते हैं। आज मेरे मौजूद हैं वकार साहब और ये मेरा हमारा बेटा हुसैन। देखो इधर, ओके। अभी हम लोग चलते हैं जी आगे, फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। और सामने झूले वगैरह भी हैं, अगर आपकी फैमिली वगैरह है तो आप जो है वो फैमिली लेके आ सकते हैं। अभी थोड़ी देर में जाते हैं अंदर भी, तो फिर दिखाते हैं इधर यहाँ पे क्या है। ये जी अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड पर ये पार्किंग है। ये नो पार्किंग लिखा हुआ है मगर फिर भी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछने वाला फिलहाल कोई भी नहीं है। वो सामने जो है लेफ्ट साइड पर जो है वो हाँ जी हाँ जाते हैं जी। ये सामने ये टिकट घर है मगर अब इन्होंने फ्री कर दिया, कोई टिकट वगैरह कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो ये बसें वगैरह देखें, बसें वगैरह आई हुई हैं इंजॉयमेंट करने के लिए। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के और स्कूल के जो हैं वो बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं। अच्छा खासा रश है, गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त झूले, ज़बरदस्त हैं जी झूले, एक से एक भाड़ के झूले हैं। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और फिर वक्त मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा हुसैन जो है ना वो ये बड़े वाली स्लाइड किस तरीके से ले ले, तो लेट्स सी क्या होता है। ये जी अभी हम लोग आ गए हैं जंपिंग वाले जो है वो झूले पे। इस पर मेरे बेटे को बड़ा शौक है जाने का, तो वो सामने जा रहा है। जाओ हुसैन जाओ मेरे बेटा, मैडम वर्ल्ड जाओ जाओ जाओ, और फास्ट आना ठीक है। ये भी हम राइट साइड पे आए हैं दूसरी साइड पे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो टिकट वाले जो है झूले, जैसे कहते हैं मशीनी झूले हैं जैसे वो है, ठीक है। 50 रुपीज़, 80 रुपीज़, 70 रुपीज़, ये जो है इनका फिर वक्त जो है वो चार्जेस हैं। जब आप लोग आएँ तो हो सकता ज़्यादा हो जाए। जाओ जाओ जाओ। इसके अलावा आगे पीछे कैंटीन्स वगैरह काफ़ी हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए, अगर आप आएँ तो आ सकते हैं जी। अभी हम लोग पहुँचे हैं तो हमें यहाँ पे गोल्ड मैन देखने को मिल गया जी। ये देखें जी, एक इस्लामाबाद में हमने G11 में गोल्ड मैन देखा, तो ये हमें गोल्ड मैन मिल गया। कैसे हो भाई, ठीक हो? ये जी भाई गोल्ड मैन मिल गया यहाँ पे। अभी हम जी ऊपर जाते हैं, गोल्ड में बैठा था मेरे बेटे, वो बोट एक ही है ना उधर, और बोट नज़र नहीं आ रही। ये देखिए मैं व्यू दिखाता हूँ जी ऊपर से भी आपको। आप लोग आए अपनी फैमिली को लेके, बहुत ज़बरदस्त जगह है रावल लेक व्यू। श्रीनगर हाईवे पे आप चढ़ेंगे तो आपको सामने बोर्ड नज़र जो है लगे नज़र आ जाएंगे, तो आप आसानी जो है वो आ सकते हैं रावल लेक व्यू को देखने के लिए। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। ये जी अभी हम लोग अंदर आ गए हैं और लेक वाली साइड पे, अभी आपको लेक भी दिखाते हैं। आवाम जो है अच्छी खासी आ जाई हुई है, हफ्ते का दिन है। ये देखिए जी आवाम अच्छी खासी आई हुई है, और यहाँ माशाल्लाह ये है कि सिटिंग पॉइंट अच्छा खासा इन्होंने बनाया हुआ है ताकि आवाम आए और बैठ सके। ये आपके सामने ये देखें जी, ये अब आ गया जी रावल लेक व्यू आ गया, ठीक है जी। बेसिकली ये है जी लेक व्यू, ठीक है। अब इसी के नाम पे इन्होंने जो है पार्क है लेक व्यू का। सैन खड़े हो जाए मेरे बेटे, आगे आ जाओ। ये देखिए इधर ये है कि आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बोट की आई थिंक प्राइस ही 200 से 250 रुपये चक्कर लगाते हैं, आज का रेट वैसे नहीं पता। आवाम जो है अच्छी खासी है जी। बोला जी क्या कहेंगे जी लेक व्यू, माशाल्लाह आप आ जाए हैं कुछ कहना चाहेंगे जी? वैसे ये है कि काफ़ी माशाल्लाह बच्चे भी आए हैं।
हाँ ये देखिए ये ट्रिप आया जी स्कूल के बच्चों का ना, ये ट्रिप भी आया हुआ है। उसको देख वो किधर है, ये हुसैन जी है जी। ये है कि जी इस बार माशाल्लाह देख रहा हूँ कि सफाई का इंतज़ाम ज़बरदस्त हो और अच्छा खासा जो है ना इन्होंने इसको अपग्रेड किया है पार्क को ना। मेरे बेटे बोर्ड एक ही जो है वो सामने है और बोर्ड नज़र नहीं आ रही, उस साइड पे देखते हैं राइट साइड पे जाके ना क्या पता हो। हम लोग आगे चलते हैं जी, आगे से दिखाते हैं अभी। ये चेक करें जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जी हुसैन आने लगा जी नीचे से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आ गया जी देखें जी बहुत ज़बरदस्त जो है इन्होंने सेटिंग बनाई है। ये सब देखें काफ़ी पार्क्स वगैरह मुझे झूले जो हैं वो माशाल्लाह काफ़ी मौजूद हैं, ढेर है स्लाइड्स हो मैं कहता हूँ बेतहाशा है इनके पास। मतलब जी क्या कहोगे जी पार्क के, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पार्क बना दिया इन्होंने। आप क्या कहोगे मतलब जी पार्क के बारे में, ठीक अच्छा बनाया पार्क इन्होंने जी। मैंने पाकिस्तान तो कैनेडा बनाया जी, तो कह रहे हैं जी इस पर काम माशाल्लाह अच्छा खासा हुआ हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं इधर से भी, ये सामने देखें तो मैं जूम करता हूँ, ये देखें ये भी झूले लगे ठीक है, काफ़ी झूले हैं यहाँ पे। तो ये जी लेक व्यू पार्क है जी, अपने बच्चों को वहाँ पे लेके आए इंजॉयमेंट करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे दे इजाज़त, अपना रखेंगे ढेर सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अच्छा जी ये राइट साइड पे ना ये बहुत ज़बरदस्त पार्क है ठीक है, और ये सामने किड्स प्ले एरिया ठीक है। ये भी एक टाइम पे यहाँ पे टिकट वगैरह था, इन्होंने अभी जो है उसको फ्री कर दिया। सामने जो है वो बर्ड पार्क है, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बर्ड्स वगैरह की काफ़ी अच्छी अच्छी नस्लें मौजूद हैं, परिंदे होते हैं बहुत ज़बरदस्त नायाब किस्म के परिंदे यहाँ पर लाए गए हैं। अभी हम जो है ये किड्स प्ले एरिया में जा रहे हैं, हुसैन हमारे साथ जा रहा है। सानू आप कौन सी जो है वो झूले आपने लेने हैं? ओ यार लेक व्यू पार्क तो हम आ ही गए हैं। ये जी अभी हम लोग एंटर हो जाएंगे, ये सामने जो है वो प्ले एरिया किड्स का, अभी आपको अंदर से दिखाते हैं। ये स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, ट्रिप आया हुआ यहाँ पे। ठीक है जी, मुझे तो इजाज़त जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। ये था जी लेक व्यू पॉइंट, और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है खूबसूरत पाकिस्तान, और बेल आइकन क्लिक भी कीजिएगा, शेयर भी आपने करना है। ढेर सारा रखें ख्याल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।